हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज के पोस्ट टॉक एपिसोड में हम बात करेंगे एजुकेशन टॉक पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा एजुकेशन टॉक सऊदी अरबिया स्कॉलरशिप्स पर है। जी हाँ व्यूअर्स, सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी तलबा और तलबात के लिए सैकड़ों स्कॉलरशिप्स का ऐलान हो चुका है, जहाँ सऊदी अरब के 25 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के तमाम मजामीन में स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप्स तमाम डिग्री प्रोग्राम्स यानी डिप्लोमा, बीएस, एमएस और पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है और जिसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने अप्लाई करने का तरीका इंग्लिश और उर्दू में तफसीलन अपने वेबसाइट पर रखा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी तलबा और तालबात के लिए सऊदी अरब के 25 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। टोटल स्कॉलरशिप के 75% को पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि 25% स्कॉलरशिप्स सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर पाकिस्तानियों को मिलेंगे। स्कॉलरशिप के फ़ायदे भी इस फाइल में मेंशन किए गए हैं। उर्दू के साथ साथ HEC ने सऊदी अरब स्कॉलरशिप के लिए गाइडलाइंस इंग्लिश में दी हैं, जिसके मुताबिक ये स्कॉलरशिप्स तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, लॉ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर और दूसरे मजामीन में दिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस फाइल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है, जिसके मुताबिक स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स एलिजिबल होंगे। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब स्कॉलरशिप के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि द स्कॉलरशिप कवर्स फ्री लॉजिंग, 3 months फर्निशिंग अलाउंस ऑन अराइवल इन किंगडम सऊदी अरबिया, रिटर्न एयर टिकट्स, फ्री मेडिकल फॉर द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, 3 months ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स। इसी तरह सब्सिडाइज्ड मील एट द कैंपस, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑन द कैंपस, सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को 850 से 900 सऊदी रियाल तक मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। व्यूअर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस फाइल में 25 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का हवाला भी दिया गया है। उस लिस्ट में नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और उसके साथ वेबसाइट भी दिया गया है जहां पे आप इंटरेस्टेड हों। जैसा कि अब हम जद्दा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, चूंकि अरबिक में होता है उनका, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशन करके, या फिर उनके वेबसाइट में ऑप्शन होता है इंग्लिश वर्जन देखने का। और इसके साथ ही आप उनके फैकल्टीज़ विज़िट कर सकते हैं, डिसिप्लिन विज़िट कर सकते हैं और अपने मर्जी का डिसिप्लिन के बारे में वहाँ पे डिटेल्स जान सकते हैं। इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी आप विज़िट कर सकते हैं उनके वेबसाइट्स, और काफ़ी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। जद्दा यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं सऊदी अरब के, तो उसके फैकल्टीज़ विज़िट करके आप अपने मर्ज़ी का, जहाँ पे आप इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, उनके प्री रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं। और बैक वापस जाते हैं और देखते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी का हम विज़िट करते हैं वेबसाइट, और हर यूनिवर्सिटीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बादशाह यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की, और
इसका भी आप वेबसाइट दे सकते हैं। ये ऑलरेडी इंग्लिश में है तो इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ की कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी इसमें। और इसमें भी आप फैकल्टीज़ विज़िट कर सकते हैं जो भी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं, और साथ में एप्लीकेशंस का क्या तरीका है अप्लाई करने का, रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और ये तमाम आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट विज़िट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक और यूनिवर्सिटी भी विज़िट करेंगे, जैसे कि ये किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी है, इसका हम वेबसाइट विज़िट करते हैं, देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या ऑप्शंस हैं, कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो फॉलो कर सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी है, ये भी सऊदी अरब की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और काफ़ी डाइवर्स एकेडमिक्स हैं, फैकल्टीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर किसी स्कॉलरशिप इस पर हो जाए तो। और इनके फैकल्टीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि ये मेट्रोलॉजी हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस हैं, और इसमें आप अपने मर्ज़ी का कोर्स सेलेक्ट करके फिर उसको फॉलो अप कर सकते हैं। और एडमिशन्स पेज आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपको इनका पूरा एडमिशन का सिस्टम के बारे में आपको पता चल जाता है। इनका एक इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन सिस्टम है जिसको आप फॉलो करके, और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, एमएस पीएचडी के लिए, तो वो आपको गाइडेंस देते हैं। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके पाकिस्तानी एम्बेसी के ईमेल एड्रेस पर भेजना ज़रूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको आज का एजुकेशन टॉक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें।